अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट कैंडिडेट्स ने, टीचर्स ने पीपीएससी के ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर और बीपीयू के, उनको पता है कि उन्होंने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो ई पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर है वहाँ पर अपना स्टाफ लॉगिन करके वहाँ पर अपलोड करना है, लेकिन जो फॉर्म उन्होंने डाउनलोड करना है कैसे करेंगे, वो फॉर्म कैसे जनरेट होगा, वो मैं सारा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो देखिए, सबसे पहले जब आप पीपीएससी का फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको उनकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ। सो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ppsc.gov.in, यहाँ पर आप चले जाएंगे www.ppsc.gov.in। इस वेबसाइट पे विजिट करके, ये इनका होम पेज है, तो सबसे पहले अगर आपने फॉर्म फिल किया तो फॉर्म फिल करने के बाद जब आप बैंक में फीस डिपॉजिट करवाते हैं नियर अबाउट 48 आवर्स के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए कि सबसे पहले आपने अपना फॉर्म फिल करना है, फीस डिपॉजिट करनी है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आ रहा है अप्लाई फॉर द पोस्ट, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करना तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए लिखा है प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपकी नीड है, अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपने ये 3-4 लिंक्स बने हैं, जो भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ प्रिंसिपल के लिए अलग से लिंक है और बाकी जो अदर पोस्टिज हैं हेडमास्टर और सॉन, उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेम ऑप्शन है, यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सेम ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आपने प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। लेकिन ये आपका फॉर्म तभी जनरेट होगा अगर आपकी बैंक में फीस कंफर्म हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको प्रॉपरली फिल करिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी वही फिल होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल की है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो उठाएगा नहीं यहाँ पर जब ऑनलाइन आप करेंगे इसकी सबमिशन लॉगिन। उसके बाद आपका यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा आपका पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड दिया था। सो मैं यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ नीचे कैप्चा दिया गया, अगर आपको इमेज ना पता लगे यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा आपका सेम मैच होना चाहिए, अगर कैपिटल में लिखा है आपका कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में लिखा है तो आपका स्मॉल में होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए डेट लेंथ इज टू लॉन्ग, ये एरर आएगा। ये एरर क्यों आएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए ये जो यहाँ पर डेट दी गई है, आपने जैसे यहाँ पर मेरा था, इसको आप डिटेक्ट करेंगे, यहाँ से इरेज करेंगे, जैसे 14 आप लिखेंगे ऐसे, उसके बाद मंथ को चेंज करेंगे, मंथ को 8 कर देंगे, ऐसे आपका स्लैश बीच में होना चाहिए। अगर आपका स्लैश बीच में नहीं होगा, स्लैश मीन ये डंडी से उसको स्लैश बोलते हैं, उसके बाद अपनी आप डिटेल फिल करेंगे, सेम जो मैंने यहाँ पहले फिल की थी वो डिटेल फिल करने के बाद डिटेल में आपका राशन नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपका पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपने जो आपका यहाँ पर कैप्चा दिया गया है वो फिल करना है, और कैप्चा आपका सेम में होना चाहिए, अगर आपका कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल यहाँ इमेज में जो लिखा वो होनी चाहिए। और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई होगी। वेरीफाई होने के बाद जब आपका यहाँ जो नेक्स्ट लिंक ओपन होगा उसमें आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट लिंक ओपन हो गया, लेकिन ये लिंक आपका तभी ओपन होगा अगर आपकी फीस कंफर्म हो गई, अगर नहीं हुई तो यहाँ पर आएगा कि आपका चालान ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है या आपकी फीस अभी कंफर्म नहीं हुई है। उसके बाद जब आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो गया। आप देखिए बाकी डिटेल्स तो चलिए वो आपको पता ही होंगी जो आपने फिल की है। सबसे नीचे देखिए आपने यहाँ पर डेट और प्लेस, प्लेस डेट और यहाँ पर एप्लीकेंट के सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरा फॉर्म है मैं अपने साइन करूँगा, और यहाँ पर ये दोनों जगह अपने सिग्नेचर वगैरह करके इसको फिर से स्कैन करना है। अगर आप कैफे वगैरह से करवा रहे हैं वो तो चलिए कर ही लेंगे स्कैन, लेकिन अगर आप अपने थ्रू स्कैन कर रहे हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन से कैम स्कैनर ऐप है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आ रही है। और इसका साइज़ होगा आपकी पीडीएफ का साइज़ कितना होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, जिसमें आपको मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा कि ई पंजाब की वेबसाइट में स्टाफ लॉगिन करके आप कैसे अपने इस
जो भी फॉर्म को फिल किया अपलोड कैसे करेंगे, साइज अगर इसका ज्यादा है उसको साइज उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है जनरेट कैसे होगा और वो हम अपलोड कैसे करेंगे और वो हमारा जो फॉर्म है कितने टाइम बाद अपलोड या जनरेट होगा। तो ये सारी जो क्वेरीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा स्टाफ लॉगिन करके ही पंजाब का कैसे ये फॉर्म अपलोड करेंगे, जो आपने स्कैन करके जो इसमें आप सिग्नेचर वगैरह किए थे वो सारा जो प्रोसेस है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।